जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मदनिश सिपाही की परीक्षा के लिए रिवीजन क्लास का क्यू 4 लेकर आए हैं। और दोस्तों, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं, इस क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो एक भी रिवीजन क्लास को मिस मत करना। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद कर लीजिए, यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक पूछा जाता है आसियान का मुख्यालय, तो याद कर लीजिए आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। WHO WTO इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे पेरिस बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको लाइव चैट में जुड़ना है तो आपको डेली रात 8 बजे क्लास को अटेंड करना होगा। ये क्लास का टाइमिंग है, तो आप सभी क्लास टाइमिंग को ध्यान रखें। और एक क्लास है रात 8:30 बजे, तो दोनों क्लास को आप सभी डेली अटेंड करें। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? न्यूयॉर्क भी पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे है। तो देखिए, न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं हडसन नदी। और लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? देखते इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे सही बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन का। तकनीकी शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे कुछ बच्चे सही बता रहे हैं बेंगलुरु। याद कीजिए, हमने आपको बताया था बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलुरु को। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है तकनीकी शहर, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन सिटी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। देखिए बी ऑप्शन में अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। यहाँ से आपको तीन प्रश्न ध्यान रखना है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर को। यहाँ पे लिख देते हैं, इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए, अभी हमने आपसे पूछा था लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद कर लीजिए गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? और देखिए दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न
सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको वही स्कोर कमेंट करके बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूँगा। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है डेयरी फार्मिंग से संबंधित है, ऑप्शन में श्वेत क्रांति भी मिल सकता है, ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है तो वर्गीज कुरियन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, स्वामीनाथन है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है तो नॉर्मन बोरलॉग है। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, चलिए आठ के लिए आंसर बताएंगे। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो याद कर लीजिए यहाँ पे आंसर जो भी बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, बांग्ला है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है, चलिए आप सभी नौ के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो आपको याद होगा मोरक्को, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, पूछा जाता है रेहला किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है तो इब्न बतूता। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मोरक्को की राजधानी कहाँ है तो रबात है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है, चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पहले भी हमने आपको रिवीजन कराया था, रिहंद बांध जो है ये किस राज्य में अवस्थित है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है, सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी को। भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत में आणविक रिएक्टर के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों ये है होमी जहांगीर भाभा, बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, होमी जहांगीर भाभा। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40 से 45 प्रश्नों का सही सही आंसर करना होगा, तभी आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद कर लीजिए मास्को, रूस की राजधानी मास्को में स्थित है रेड स्क्वायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में घुमा फिराकर पूछे जाते हैं। तो सभी को पता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे श्रीहरिकोटा बता रहे होंगे जो कि बिल्कुल गलत जवाब है, यहाँ पे आंसर त्रिवेंद्रम होगा, श्रीहरिकोटा नहीं होगा। तो आपको कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये त्रिवेंद्रम में है, ध्यान रखेंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे। झरिया झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए झरिया जो है ये झारखंड का पार्ट है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ये जो है कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए कोयला की बात करें तो सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट कोयला होता है, ध्यान रखेंगे। अमरनाथ कहाँ स्थित है, चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों ने कल वाली क्लास को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखिए, कल जो है लगभग 50 से 52 साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया है, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
साइंस क्लास का जरूर जाके देखिए। तो अमरनाथ कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई? चलिए आंसर बताएंगे 16 के लिए। कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1861 में। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्या हो जाएगा 1861। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 1861 ईस्वी में कागजी मुद्रा भारत में शुरू हुई थी, ध्यान रखेंगे। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो यहाँ पे 17वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर यानी कि चांदी है, ध्यान रखेंगे। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, अगर ऑप्शन में सिल्वर ना दिया होता, ऑप्शन में आपको लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम और इनमें से कोई नहीं दिया होता तो आप लोग आंसर क्या बताते, इसका आंसर जरूर करना है कमेंट बॉक्स में। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है वायुमंडल में? तो 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कितना है? तो ये लगभग 21% के आसपास है। सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%, ध्यान रखेंगे। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? चलिए 19 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल होता है? तो ये है लहसुन, ए ऑप्शन सही जवाब है लहसुन। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? अब देखिए इस प्रश्न में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, कभी कभी क्षार पूछा जाता है और कभी कभी अम्ल पूछा जाता है, तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखिए, अनिल, अनिल या अनीला। तो देखिए ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे, आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, यानी अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को ला यानी लाल में बदल देता है। तो एक ट्रिक आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे देख सकते हैं क्षार लाल लिटमस को क्या करता है, तो सिर्फ आपको अम्ल याद रखना है, क्षार वाला अपने आप हो जाएगा। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को उल्टा यानी नीला कर देता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है? चलिए आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो विलुप्त जंतु प्रजाति जो है डोडो पक्षी है। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है निषेचन, देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है? इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए ये लगभग 90%, ध्यान रखेंगे 90%। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC रेड ब्लड सेल, इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए हमने ये आंसर बता दिया, लाल रक्त कणिका आंसर क्या होगा, RBC। RBC का जीवन काल होता है 120 दिनों का, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऐसे एनीमिया रोग जो होता है ये लोहे की कमी से, आयरन की कमी से
होने वाला रोग है, यहाँ पे दिया हुआ है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में क्या होता है एनीमिया रोग होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होता है, तो देखिए अगर आप बहुत अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो आपका जो आरबीसी है लाल रुधिर कणिकाएं इसका क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ जाता है, संख्या में बढ़ोतरी होती है आरबीसी की संख्या में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। अस्थाई चुंबक किससे बनते हैं, यहाँ पे भी बहुत बच्चे गलत आंसर बताएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए जैसे इस प्रश्न को बच्चे देखते हैं फटाक से आंसर नर्म लोहा बताते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अस्थाई चुंबक पूछा गया है, यहाँ पे आंसर इस्पात हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अस्थाई चुंबक, यहाँ पे लिख रहे हैं अस्थाई चुंबक पूछे किससे बनते हैं, तो नर्म लोहा से, लेकिन अस्थाई चुंबक पूछे तो आंसर आपको इस्पात देना है। तो ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है, वाहन चालन हेतु पश्च दर्पण होता है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण कौन सा होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, साधारण होता है, बताएंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं इसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। प्रीत्जिगर पुरस्कार संबंधित है, चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। देखिए एक होता है प्रीत्जिगर और एक होता है पुलित्जर, पुलित्जिगर पुरस्कार जो होता है पत्रकारिता से संबंधित है, और प्रीत्जिगर पुरस्कार जो है ये संबंधित है वास्तुकला आर्किटेक्चर, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, ग्रेमी अवार्ड पूछा जाता है ये किससे संबंधित है, ग्रेमी अवार्ड। कुमार संभवम महाकाव्य के लेखक कौन है, बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे, कुमार संभवम महाकाव्य के लेखक कौन है, तो दोस्तों ये है कालिदास, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वानभट्ट जो है ये किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और हरिसेन जो है ये किसके दरबारी कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, सोच समझकर आंसर करना है, किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, तो ये किया था अकबर ने, कब किया था, तो 1564 में, ध्यान रखेंगे। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, चलिए फटाफट से आंसर बताइए, तो ये जो आदेश पत्र है शिक्षा से संबंधित था, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, चलिए 34 के लिए आंसर बताएंगे, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले जो है ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सती प्रथा की समाप्ति कब होती है, 1829 में, किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो ये कौन सी घटना थी, आप सभी जानते हैं चौरी चौरा कांड, ये कब होता है 1922 में होता है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1 अगस्त 1920 से। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, देखिए द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब होता है जिस राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो,
तो हमने आपको बताया था दुई सदनात्मक विधायिका जो है केवल 6 राज्यों में है, जिसमें से ऑप्शन में यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है और यहाँ एमपी जो है इसमें यहाँ पे नहीं है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो देखिए मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 6 है, पहले 7 थे और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और इसे रखा गया है भाग 3 के। कोस्टारिका की राजधानी क्या है? तो कोस्टारिका की राजधानी है सांजोस। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान, यहाँ पर लिख देते हैं आसियान का मुख्यालय पूछा जा रहा है, आपको बताना है कहाँ पर है। तो यहाँ पे आसियान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, आप सभी जानते हैं जकार्ता। आंसर क्या होगा? जकार्ता। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? चलिए 41 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ये इंफ्रारेड है, ध्यान रखेंगे। एक्सरे इसका आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? ध्यान दीजिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बताना है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, बहुत बच्चे ने सही जवाब दिए हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए 43 के लिए आंसर बताएंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कानपुर में, याद रखेंगे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? चलिए 44 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो इसका रीजन है प्रकीर्णन। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रकीर्णन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए ए ऑप्शन में है जजिया कर की समाप्ति, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1564 में किया गया था अकबर के द्वारा। तो यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है ये है सी ऑप्शन, इलाही संवत की शुरुआत 1582। इलाही संवत की शुरुआत जो है ये कब होती है, यहाँ पर लिख देते हैं 1584 में, ध्यान रखेंगे। तो ये जो है सुमेलित नहीं है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट से आंसर बताएंगे 46 के लिए, जिला न्यायालयों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर क्या बता रहे हैं, सी बिल्कुल सही जवाब है, राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, याद रखेंगे। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति।
पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? चलिए 47 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सदाहरित। ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी? चलिए 48 के लिए आंसर बताइए, किस शासक ने वातापी कोण की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था नील विद्रोह। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, नील विद्रोह। ध्यान रखेंगे, बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, बोरी एवं कूनो ये वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, मध्य प्रदेश में है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।